और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सबसे भरोसेमंद चैनल। तो उम्मीद है आप सभी की परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी। हमसे जितने भी कोचिंग लिए लोगों ने बहुत अच्छी गई है परीक्षा। सभी का फ़ोन आया था, कॉल आया था और कुछ सर्कल ने सरप्राइजिंगली काफ़ी टफ अपना क्वेश्चन पेपर बना दिया है। टफ से हमारा मतलब है क्वेश्चन सिलेबस के बाहर आया था। अगर जितने भी सर्कल का सिलेबस के अंदर आया है उन लोगों का अराउंड 30 में से 28 सही हो रहा है। 30 में से किसी किसी का 30 शुरू हो रहा है डिपार्टमेंटल वाला, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें कुछ कुछ सर्कल जहाँ पे बहुत ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल सर्कल, जिसमें से कई क्वेश्चन डिपार्टमेंटल कह लीजिए, जीके कह लीजिए, आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। इसके बाद है गुजरात सर्कल, इसके बाद है हिमाचल। अभी तक हमने 7-8 के ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, इसलिए हमको पता है कि 2-3 सर्कल में बिल्कुल इनके साथ बहुत गलत हुआ है, ठीक है। तब प्रिपरेशन के बाद अगर सिलेबस के बाहर आ जाए, यानी सिलेबस के बाहर का मतलब है क्लोजेस, जो क्लोजेस दी गई है उसके बाहर अगर आता है तो ये गलत है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें उड़ीसा सर्कल ने अपना आंसर की यहाँ पे निकाल दिया है, ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे पेपर ए पेपर बी दोनों का यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है। फीडबैक मतलब आपको अगर कोई शिकायत है या फिर कोई कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। ये फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट को आपको निकालना पड़ेगा और यहाँ पे अपना नाम, डिवीज़न, रोल नंबर लिख के कौन सा क्वेश्चन में क्या गड़बड़ था ये आप लिख सकते हैं। तो उन सर्कल के जहाँ पे सिलेबस के बाहर आया था, आप एक काम कीजिएगा, सभी लोग 10-12 लोग मिल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, है ना। आंसर की को मिलाएंगे अभी नहीं, ठीक है। जब सभी के सर्कल का ये आंसर की आ जाएगा तो इसके बाद जैसे कोलकाता वाले हैं या वेस्ट बंगाल वाले हैं, अब वो आंसर की से मिलाएंगे क्या क्या आंसर आउट ऑफ सिलेबस आया था, क्लॉजेस के बाहर आया था, वो सब आपको यहाँ पे इस कमेंट में लिखना है, ठीक है। डिटेल लिखना है और इसी तरह से यहाँ पे, ये तो छोटा है तो आप थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख के ईमेल करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो उड़ीसा सर्कल का है और इनको उन्होंने बोला कि 19 तारीख से पहले इनको भेजने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल दिया है। पोस्ट बाई पोस्ट नहीं करना है, ईमेल में करना है। तो वेस्ट बंगाल, गुजरात, यहाँ हिमाचल प्रदेश का जो अगर आउट ऑफ सिलेबस जो जो क्वेश्चन है सब डिस्कस करने के बाद अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे कमेंट अपना भेज सकते हैं। तो इसमें बोनस मार्क्स या दूसरे तरह की प्रक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक का लेटेस्ट अपडेट था। वैसे एमटीएस का एग्जाम बाकी सर्कल में बहुत आसान गया है, ऑलमोस्ट सभी का 80-90 के लाइन पर आ रहा है, लेकिन इन सर्कल जहाँ पर सिलेबस के बाहर हो गया था तो उनके लिए थोड़ा टफ हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ इन्होंने की है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव दिख रही है हमको कि यहाँ पे एक सेक्शन दे दिया है जहाँ पे आपको फीडबैक या कमेंट अपना देना है कि प्रश्न में क्या गड़बड़ी थी या फिर प्रश्न सही है कि नहीं, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भेज दीजिएगा। धन्यवाद।